हमारे पंडित रामकृष्ण हमारे बुद्धिमान है, प्रसिद्ध है। ये करेंगे आपकी चुनौती पूर्ण। चुनौती में उलझाना तो कृष्णदेव राय को था, पर कोई बात नहीं, ये पंडित नाकामयाब होकर चुनौती अपने महाराज पर ही मरेगा। और महाराज अगर ये महोदय नहीं कर पाए तो मैं फिर से पूछता हूं महाराज, अगर पंडित रामकृष्ण ये नहीं कर पाए तो क्या ये अपने अष्ट दिग्गज पद को त्याग देंगे? पंडित रामकृष्ण महाराज, क्या आपको ये चुनौती स्वीकार है? स्वीकार है महाराज। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। ये हुआ पंडित रामकृष्ण पर दोहरा वार। आदिनाथ को मृत्यु दंड मिल गया है, पंडित रामकृष्ण को अपना अष्ट दिग्गज का पद त्यागना ही होगा। और यदि पंडित रामकृष्ण इस चुनौती को पूर्ण नहीं कर पाया तो भी अष्ट दिग्गज का पद गया। हमें केवल ये तय करना है कि पंडित रामकृष्ण सिराज द्वारा दी गई चुनौती को किसी भी प्रकार पूर्ण न कर पाए। वो चले पंडित रामकृष्ण सेठ बालाचंद्रु को कोयला बेचने। चलेंगे सिराज महोदय, अवश्य चलेंगे, किंतु आज नहीं, कल। आज मैं आवश्यक कार्य में व्यस्त हूं। आज चलिए कल चलिए पंडित रामकृष्ण, पर आपकी हार तो पक्की है। वो तो कल ही ज्ञात होगा सिराज महोदय। ठीक है फिर पंडित रामकृष्ण, कल मिलते हैं। पंडित रामकृष्ण, प्रतीत होता है कि आपको सेठ बालाचंद्रु के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। उसके जैसा कंजूस व्यक्ति ना कभी देखा ना सुना। एक बार तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे आज्ञा का उल्लंघन करने की? मैंने कहा था, मना किया था, फिर भी मेरी बात तूने नहीं माना। सेठ बालाचंद्रु इतना मत डांटो, बालक है वो। अरे खा खा कर घोड़ा बन गया, तुम्हें बालक दिखाई देता है? इस नाला को मैंने कहा था एक सीढ़ी छोड़कर चढ़ना, चप्पल कम घिसेगी, फिर भी ये दो सीढ़ी छोड़कर चढ़ा। तो अच्छा है ना चप्पल कम घिसी होगी। अरे चप्पल कम घिसी पर इसकी धोती फट गई, उसका क्या? बड़ा ही विचित्र व्यक्ति है और इतना कंजूस। पंडित रामकृष्ण, ऐसे कंजूस सेठ को आप एक कोयले की बोरी 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में कैसे बेचेंगे? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पंडित रामकृष्ण, वो कहते हैं ना कि प्रयत्न करने वाला एक दिन अवश्य सफल होता है, परंतु आपके संदर्भ में ऐसा होना असंभव लग रहा है। अब देखिए, एक तो आपको मृत्यु दंड प्राप्त आदिनाथ की पत्नी को उत्तर देना है, जिसे आपने हमारे समक्ष अपनी अम्मा की शपथ लेकर वचन दिया था, और अब ऊपर से नया संकट। हमें आपसे सहानुभूति है पंडित रामकृष्ण,
परंतु हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। रामा, तथाचार्य सत्य कह रहे हैं, शीघ्र इस संकट से बाहर निकलने का उपाय सोच, अन्यथा अष्ट दिग्गज का पद भी त्यागना पड़ेगा और दरबार से भी निष्कासित होगा। हाँ बंधु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आदिनाथ ने भरे दरबार में स्वयं को अशुभ क्यों कहा? राजदरबार? पंडित जी, जब मैं राज दरबार गया ही नहीं तो कैसे संभव है कि मैंने महाराज के आगे अपना अपराध स्वीकार किया हो? मैं तो रनिवास में अपना कार्य कर रहा था जब सैनिकों ने आके मुझे बंदी बना लिया, और तब से मैं कारावास में ही हूँ। कैसी बातें कर रहे हो आदिनाथ, होश में तो हो तुम? मेरे सामने वहाँ मैं अपने परिवार की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं राज दरबार नहीं गया। प्रतीत होता है आदिनाथ को कुछ स्मरण ही नहीं है। तुमसे कारागृह में मिलने कोई आया था? आए थे, गुरुवर आए थे, भगवान उनका भला करे, अत्यंत दयालु व्यक्ति हैं वे। मेरे लिए वो भगवान शिव की संकट हरण भस्म लेकर आए थे। एक अपरिचित व्यक्ति के प्रति मन में इतना स्नेह, तभी तो वे राजगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हैं। गुरुवर, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो परीक्षा के क्षेत्र में था। पंडित जी, मेरी रक्षा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। तुम चिंता मत करो आदिनाथ, मैं कुछ करता हूँ। तुंदप्पा, तुंदप्पा। मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं आप सबका बुद्धि परीक्षण करूंगा। मान लो आप एक दुर्ग में हो जो चारों दिशाओं से सुरक्षित है, और शत्रु उस दुर्ग के अंदर सुरक्षित बैठा है, तो उस दुर्ग पर विजय प्राप्त कैसे करोगे? गुरुवर, इस प्रश्न का उत्तर हम हमारे पिताजी से पूछकर आपको देंगे। वो एक अविजित योद्धा है, उन्हें युद्ध का अनुभव है। बैठ जाइए। गुरुवर, हमें आपके इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। तुम्हें उत्तर ज्ञात है, तो कृपया अपने सहपाठियों के साथ उत्तर को साझा करो। गुरुवर, हम अपने शत्रु पर सीधा आक्रमण करेंगे। हम अपनी सेना को आदेश देंगे कि वह दुर्ग के मुख्य द्वार को तोड़ डाले, और उसके पश्चात हम दुर्ग में प्रवेश करेंगे और हम शत्रु पर आक्रमण करेंगे और हम उसको पराजित कर देंगे और दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अरे कुंडप्पे, काहे होत अधीर, खीर के बीचों बीच उंगली डालेगा तो उंगली जलेगी ना। तू पात्र के कोने में से खीर का, वहाँ उष्णता कम होती है। जब तक तू पात्र के कोने से खीर समाप्त करेगा, तब तक पात्र के बीच में बची हुई खीर की उष्णता भी कम हो जाएगी, समझा? युधवीर, तुम इस कक्षा के सबसे तेजस्वी छात्र हो, इसलिए तुम मेरे प्रिय हो। धन्यवाद गुरु। गुलवर, युधवीर का उत्तर गलत है। अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगे क्या सही है क्या गलत? अपने नाम का तो तुम शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, और चले हो सही और गलत का निर्णय करने। दुर्ग के बीचों बीच सुरक्षित बैठे शत्रु को पराजित करने के लिए हमें उसे चालू से घेरना होगा, और उसके पश्चात उस घेले को सिकुड़ते हुए हम उसे पराजित कर सकते और दुर्ग पर विजय पा सकते। गुंडप्पा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। गुंडप्पा, तुम्हारा उत्तर पूर्व प्रमाणित युद्ध रणनीति है। आओ। प्रणाम विद्याधर। प्रणाम महामंत्री जी। आप गुरुकुल में? यहाँ से गुजर रहे थे विद्याधर जी, तो सोचा कि गुरुकुल का हाल याद कर लिया जाए। अहो भाग्य हमारा।
विद्याधर जी एक बात बताइए, सारे छात्र कक्षा के अंदर परंतु गुंडप्पा अकेला बाहर खड़ा है, ऐसा क्यों? मामंडली जी, गुलूवल ने मुझे गुलूकुल के सभी पात्रों में जल भरने का और गुलूकुल की सफाई करने का आदेश दिया है। महामंत्री जी, गुरुकुल में शिष्यों को हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिससे वो जीवन के हर छोटे बड़े कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए। धन्य हो गुंडप्पा, बिना किसी त्रुटि के हमारे दिए गए कार्य में सफलता प्राप्त की है। शिष्यों, गुंडप्पा के लिए तालियां बजाओ। पुत्र जाओ, अपना स्थान ग्रहण करो। जाओ गुंडप्पा। विद्याधर जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम। गुंडप्पा, अति शीघ्र मैं तेरा गुरुकुल में प्रवेश निषेध करा दूंगा, बस थोड़ी प्रतीक्षा कर। अभी चेहरा क्यों लटका रखा है? कहीं पुनः निष्कासित होकर तो नहीं आ गए? हाँ, इसका तो ये प्रतिदिन का कार्य है। कहाँ भले बाबा कृष्ण? मुझे आपसे बात करनी है। पंडित रामाकृष्णा, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे पति को कारावास से बाहर निकलवाएंगे, परंतु महाराज ने तो उन्हें मृत्युदंड दे दिया है। मैं अपने बच्चों की शपथ लेती हूँ कि जिस दिन मेरे पति को मृत्युदंड दिया जाएगा, उस दिन आपकी इसी चौखट पे मैं अपने बच्चों के साथ प्राण त्याग दूंगी और हमारी मृत्यु के जिम्मेदार आप होंगे। अरे मैं तो आदिनाथ का भला चाहता था अम्मा, उसके परिवार की चिंता करके उसे जनिवास में सेवक के पद पर नियुक्त करवा दिया था। मुझे क्या पता कि परिणाम इतना भयावह हो जाएगा। हे माँ, जो दूसरों का भला करते हैं उनका सदा भला ही होता है, तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, देखिए आपको व्यर्थ के विचार छोड़ देने चाहिए, अब ये सोचिए कि आदिनाथ की रक्षा कैसे करें। अरे आदिनाथ की रक्षा पहले करूं या उस बाला चंद्रु सेठ को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं में कोयला बेचूं? अब ये बाला चंद्रु कौन है? मोटा सा नगर का सेठ है अम्मा, बड़ा ही कंजूस है। एक व्यक्ति ने महाराज को चुनौती दी तो महाराज ने वो चुनौती मेरे सर पे डाल दी। से क्या हुआ? क्षमा करना, शुद्धा लगी थी। प्रतिदिन गुरुकुल से लौटते ही तुझे शुद्धा लग जाती है, गुरुकुल में करता क्या है तू? गुरुजी, धन के लिए ऐसी भी क्या लालसा कि उसके लिए आप भिखारी बन गए? और तो और, अपने प्यारे शिष्य को भिक्षा मांगने के लिए भिखारी बना दिया। मूर्ख गधो, ये भेष हमने पंडित रामाकृष्णा के घर जाकर रानियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए धारण किया है। हम पंडित रामाकृष्ण से उस प्रश्न का उत्तर लेंगे, उत्तर जाकर रानियों को देंगे और रानियां हमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगी। तो ये बुढ़ा स्वर्ण मुद्राओं के लिए भिखारी बना है। ए,
सुनो, यदि तुम दोनों से कुछ त्रुटि हुई तो हमसे बुरा कोई ना होगा। इस पूरे जग में आपसे बुरा कोई दूसरा है ही नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं गुरु जी, प्रशंसा कर रहे थे इस रूप की गुरु जी। ये क्या है तुम्हारा इतना दुस्साहस? हम भिखारी नहीं है। तो कौन हो भाई? हम विजयनगर के राजगुरु दत्ताचार्य। हमने आपको पहचाना नहीं। गुरुजी अपना रूप प्रकट कीजिए। हाँ, क्षमा करना गुरुवर, वो भूलवश त्रुटि हो गई। हमें ज्ञात नहीं था कि आप ये रिक्त समय में ये व्यवसाय भी करते हैं। मूर्ख, हमने ये रूप पंडित रामाकृष्णा के लिए धरा। पंडित रामाकृष्णा के लिए क्यों गुरुवर? हम तुम्हें क्यों बताएं? मत बताइए। तुम हमें बताओ, गुंडप्पा को गुरुकुल से बाहर निकाला या नहीं? गुरुवर, अतिशीघ्र बाहर कर दूंगा। गुरुवर, वो कार्य आज ही संपन्न हो जाता, परंतु तिमरासु जी ने सब चौपट कर दिया। तिमरासु गुरुकुल में क्या कर रहा था? वो आप ही जान ले। उचित पूछ लेंगे, परंतु ध्यान रहे, वो गुंडप्पा कल गुरुकुल से बाहर हो जाना चाहिए, अन्यथा हमारी आज्ञा की अवहेलना करने का परिणाम तुम भली भांति जानते हो। जी जी गुरुवर, मैं जाऊं? जाओ। ए रुको, ए लेके जाओ। क्षमा करना गुरुवर। ए हाँ गुरुजी, चलो चलो गुरुजी। जो स्वयं लापता है उसका परिचय कैसा? दुष्ट स्वयं त्रुटि करता है और दोष दूसरों पे लगाता है। तू झूठा और धूर्त बालक है। जाओ और पुनः जल संचय करो। गुंडप्पा, तुम्हें ज्ञात है ना तुम्हारे घर के भोजन में कितनी रुचि है? यति दिन प्लेटानिक का अंत होना असंभव है। मुझे शिक्षित होने का विचार त्यागना होगा। कल से मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा। हाँ, यही मेरा अंतिम निर्णय है। अब मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा। मुझे शारदा अम्मा और लामा को अपने निर्णय से अवगत कराई देना चाहिए। रामा, तूने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं किए। विकट से विकट परिस्थितियों में भी संयम रहकर निडरता से उसका सामना किया है। शहीद अन सिंह जैसे योद्धा को परास्त किया है। हर समस्या का अपनी बुद्धिमत्ता से समाधान निकाला है। मुझे विश्वास है कि इस संकट से भी तू विजय होकर निकलेगा। हाँ, सत्य कहा अम्मा आपने। देखिए, हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। आवश्यकता है आप समस्या के विषय में नहीं अपितु उसके हल के विषय में चिंतन करें। कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल जाएगा। तुम दोनों सत्य कह रही हो। जब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, असंभव ही प्रतीत होता है। धैर्य से सोचना चाहिए, कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। जब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, असंभव ही प्रतीत होता है। तेरे द्वार खड़ा है जोगी। गुरु जी क्या कर रहे हैं? ये पंडित रामाकृष्ण का घर है। सुदामिनी देवी का घर नहीं, जो आप जोगी जोगी कर रहे हो। त्रुटि हो गई, त्रुटि हो गई। घर पर जोगी खड़ा है। तुम ही तो बोलो मूर्खो। हम जानते हैं पंडित रामाकृष्ण, आप अभी आदिनाथ की पत्नी को दिए वचन और सिराज की चुनौती को लेकर चिंतित होंगे, किंतु हम आपको कभी इन चिंताओं का हल ढूंढने नहीं देंगे।
और इसी बहाने हम आपसे रानियों के प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त कर लेंगे।